तो किसी एक्टर के लिए अपने सर बाल मुंडवाना बहुत बड़ी बात होती है भाई, वो भी सीरियल के लिए जो चलती जाता है। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आज तेनाली रामा के सेट पे खुद तेनाली रामा हमारे साथ हैं, कृष्णा भारद्वाज जी, वेलकम टू फिल्मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, तो बचपन में हम लोग छोटे होते हैं, सभी छोटे होते हैं और जब पढ़ते हैं कॉमिक्स, पढ़ते हैं कहानी, उसमें तेनाली रामा एक करेक्टर आता है, वो बड़ा फैंटेसी में लेके जाता था। जी, बड़े होकर जब वही करने का मौका मिला, क्या फीलिंग थी? देखिए, जब हम बचपन में स्टोरीज कोई कॉमिक पढ़ रहे होते हैं ना, तो हम विजुअलाइज कर रहे होते हैं उस समय उस चीज़ को पढ़ते हुए ना, हमारे दिमाग में, बच्चों का दिमाग बहुत क्रिएटिव होता है, वो चल रहा होता है, लेकिन हम उससे बहुत ज़्यादा उससे रिलेट नहीं कर पाते। राइट। लेकिन वही चीज़ हम अपने आँखों के सामने जीवंत होते हुए देखते हैं ना, तो हम उससे रिलेट कर पाते हैं। बचपन में मैं जब तेनालीरामा पढ़ता था, तो वो मेरे लिए सिर्फ एक स्टोरी थी, वो मेरे लिए एक लाइव चीज़ नहीं था, या मेरे लिए वो एक इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर, एक एनकरेजिंग कैरेक्टर नहीं था। लेकिन आज तेनालीरामा ये कैरेक्टर लोगों के लिए बहुत इनकरेजिंग कैरेक्टर बन गया है, एक आदर्श बन गया है। पेरेंट्स मुझे ये कहते हैं कि हमारे बच्चों को सिर्फ तेनालीरामा देखना अलाउड है, वो कुछ नहीं देख सकते टीवी पे। ओ, इस तरह का रिस्पांस मिला है इस कैरेक्टर को, तो आई एम रियली फॉर्चुनेट। और मैंने एक्चुअली नहीं सोचा था ये कैरेक्टर इतना पसंद किया जाएगा लोगों को, या इतना लंबा चलेगा भी। तो ये सब भगवान की देन है, आशीर्वाद है भगवान का कि मैं ये जो सीरियल है, एंटरटेनमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एज अ करेक्ट वर्ड, इट्स एन एंटरटेनमेंट। राइट। ये करेक्टर जो लोगों के जहन में है, इमेज एक बनी हुई है, उसको निभाना एज एन एक्टर कृष्णा जी, क्या चैलेंजिंग और वो होता है कि यार कैसे करूँ, ऐसा ना कुछ गड़बड़ हो जाए? नहीं, आई गेस अगर आप टाइम के साथ फ्लो करते रहें, आप अपने आप को छोड़ दें उस करेक्टर को प्ले करने में, तो कुछ गड़बड़ी नहीं होती। मैं हमेशा ये कहता रहता हूँ कि ये इस शो पर किसी एक स्पेशल एनर्जी का हाथ है, किसी भगवान की दैवीय शक्ति है इसके ऊपर, कि कभी कुछ गलत नहीं हुआ। कभी कोई कास्टिंग अगर इधर उधर गलत भी हो जाती है ना, तो वो भी अल्टीमेटली शो के लिए अच्छे में होता है। कुछ गलत लिखकर आ जाता है, तो वो भी पता चलता है हैला अच्छा ही हुआ, ऐसा हो गया। तो ये खास बात है हमारे शो की, जहाँ कभी कुछ गलत नहीं होता। मुझे इस शो को प्ले करने में, इस कैरेक्टर को प्ले करने में ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, बिकॉज राइटर्स बहुत अच्छे थे। तो जब एक अच्छी टीम जुड़ती है आपस में, तो उसका प्रोडक्ट हमेशा बेस्ट ही निकलता है। कहते हैं सफलता कुछ ना कुछ त्याग मांगती है, इस करेक्टर ने क्या क्या त्याग मांगे आपसे? पहला त्याग तो आपके सामने है, बिल्कुल आंखों के सामने, मेरे काले घने लंबे बाल नहीं है 2 सालों से, जिन्हें मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। आज 29th of May है 2019। मैंने 28th of May को पहली बार अपना सर का मुंडन कराया था, और मैं जाकर ऐसे नाई के सामने, हम एक्टर्स ना अपने आप से बहुत प्यार करते हैं। Right. हमारे बाल, हमारी आँखें, हमारा स्टाइल, हमारे कपड़े। तो किसी एक्टर के लिए अपने सर बाल मुंडवाना बहुत बड़ी बात होती है भाई, वो भी सीरियल के लिए जो चलते ही जाता है। हाँ। फिल्मों में क्या है कि 2-3 महीने में फिल्में खत्म हो जाती हैं। Right. हमारा शो तो चलता ही जाता है। तो 28 मई 2017 को मैं गया था अपने सलोन में, मैंने कहा था टकला कर दो, आँख बंद करके मैं बैठ गया, मैंने कहा जब हो जाए तब बता देना। मैं आँख बंद करके बैठा रहा 1/2 घंटे, उसके बाद जब आँखें खोली तो सामने चांद चमक रहा था, आज तक चमक रहा है। तो पहला सैक्रिफाइस तो ये किया है। दूसरा, और आई डोंट थिंक सो मैंने ज़्यादा कुछ सैक्रिफाइस किया, और अगर किया भी हो तो मुझे याद नहीं है, बिकॉज जो सैक्रिफाइस करने के बदले में मिला वो बहुत ज़्यादा मिला, और उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, ना कि मैं किसी चीज़ का पछतावा कर रहा हूँ। बोलते हैं सर मुंडाते ही ओले पड़ गए, यहाँ सर मुंडाते ही रोल मिल गया। अरे बिल्कुल, सर मुंडाते ही फूल बरसे, प्यार मिला, बहुत ज़्यादा प्यार मिला, इज्जत मिली, नाम मिला, शोहरत मिला, बहुत कुछ मिला। अच्छा, नॉर्मली आपका एक करेक्टर है और आपके साथ एक और करेक्टर है। बिल्कुल। और ये जो दोनों करेक्टर की बातचीत है जी, ये इमेजिनेशन से कैसे करते हो, क्योंकि ये कोई फिजिकल नहीं है। राइट। तो इसलिए एक ऑल्टर ईगो, आपका एक ऑल्टर ईगो होता है, आप अपने आप से बात करते हो। मेरे लिए मेरा ऑल्टर ईगो बंधु है। हाँ। तो ये एक्चुअली बहुत हेल्पफुल है, अगर रियल लाइफ में किसी का, मान लीजिए आपकी बॉडी में ही आपका एक ऑल्टर ईगो हो। हाँ। आपको खुद से बात करने के लिए मिरर देखने की जरूरत नहीं हो, आप बस बात करें और आपको जवाब देने वाला कोई हो आसपास से, वो बहुत अच्छी बात है, यू नो, यू फील स्पेशल। तो आई फील स्पेशल कि मेरा बंधु है मेरे साथ, वो बात करता है मुझसे। मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं सॉल्व करने के लिए किसी से डिस्कस कर सकता हूँ, मुझे सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि वो मेरी ही बॉडी का पार्ट है। तो इट्स अ वेरी नाइस गिमिक जो राइटर्स ने सोचा और इसमें यूज़ किया, बिकॉज बंधु लोगों के साथ ही बंधु चिपक गया, बच्चों के साथ स्पेशली, उनको बहुत मजा आता है बंधु और मेरी बातचीत सुनने में। देखिए, स्क्रीन पे तो बंधु और आप बड़े अच्छे लगते हैं, एकदम हम साया लगते हैं, लेकिन टेक्निकली अगर मैं बात करूं, तो जब बंधु के साथ के रिएक्शंस आपके होते होंगे, जब आप शूट करते होंगे, तो एज एन एक्टर कितनी टेक्निकलिटीज का ध्यान रखते हैं?
क्योंकि एक्सप्रेस करना है आपको पूरा। जी जी नहीं, ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ नहीं देखनी पड़ती, बिकॉज बंधु के डायलॉग्स आते हैं, मुझे सिर्फ एक बार ऊपर देखना होता है, फिर वो डायलॉग बोलता है, फिर मैं अपना डायलॉग बोलता हूँ। तो मेरे लिए बंधु मेरे सर के ऊपर है। तो टेक्निकलिटी सिर्फ इतनी ही है कि वो कैमरा जब जूम होता है, वो बंधु आता है सीजी में ऊपर, मैं बात करता हूँ और बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन मेरा रिएक्शन सेम रहता है, बिकॉज मैं बाकियों के साथ ही वही रिएक्ट कर रहा होता हूँ, तो ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। ओके कृष्णा, आप बहुत सालों से काम कर रहे हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स की, उन प्रोजेक्ट्स के बारे में, उन रोल्स के बारे में भी थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। जी, मैंने शुरुआत की थी 2004 में, अदा करके पहला सीरियल था मेरा कैन घोष का, जो सहारा वन पे आता था। अपना प्लानिंग इट इज वर्किंग। हाँ यार, ये बात तो है, लेकिन सुन, शायला को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि अगर उसको ये बात पता चल गई तो हमारी तो कुछ ऐसा मैंने चला। उसके बाद मैं हैट्स ऑफ प्रोडक्शन में घुस गया। मैंने हैट्स ऑफ प्रोडक्शन के बैक टू बैक चार सीरियल्स किए, बाहर गया ही नहीं, जहाँ पे मैंने क्रिएटिव डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर, एसोसिएट डायरेक्टर, राइटर का काम भी किया, बहुत सारा काम सीखा वहाँ पे। मैंने डायरेक्शन किया, राइटिंग की, क्रिएटिव कास्टिंग किया, सब कुछ किया। चार शो किए, लास्ट शो था आर के लक्ष्मण की दुनिया 2013 में। उसके बाद मेरे पास काम नहीं था चार साल तक, तेनाली रामा के चार साल पहले मेरे पास काम नहीं था। तो ये पहला शो है मेरा हैट्स ऑफ के बाहर का प्रॉपर शो, तो बस यही काम किया मैंने। ओके इतने कंटिन्यूटी में काम और एक छोटा सा ब्रेक भी बीच में आया, तब एक एक्टर को साइकोलॉजिकली कितना प्रिपेयर करना पड़ता है जब वो काम नहीं कर रहा, जब उसका काम लोगों को नहीं दिख रहा है? ये बहुत ही डिफिकल्ट फेज होता है हर एक्टर की लाइफ में, एंड आई गेस मोस्ट ऑफ द हर एक्टर की लाइफ में ये आता ही है, चाहे वो फिल्म हो, चाहे सीरियल हो, चाहे कुछ भी हो। एंड आई गेस ये बहुत ज़रूरी है ये फेज़ आना। वो जो चार साल मेरे पास काम नहीं था, वो बहुत 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 ज़्यादा डिफ़िकल्ट फेज़ था मेरे लिए। पैसे नहीं होते, हम अपने शहर से दूर आकर रह रहे होते हैं, पैसे नहीं होते हैं, पर्सनल लाइफ नहीं होती है, कोई पहचान रहा नहीं होता है, कोई काम नहीं दे रहा होता है, डिप्रेशन होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। बट आई देन जब तेनाली रामा मुझे मिला, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि वो चार साल मेरी ट्रेनिंग चल रही थी तेनाली रामा को प्ले करने में, बिकॉज तेनाली रामा बहुत डिमांडिंग शो है, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, यहाँ पर दिमाग का वाट लग जाता है, बिकॉज इतने सारे डायलॉग्स याद करने होते हैं, इतने रिएक्शन दे रहे होते हैं। नाउ आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मेरे पास वो चार साल आए जहाँ पर मेरी ट्रेनिंग हुई। अगर शायद वो चार साल नहीं होते, तो तेनाली रामा में मैं इतना अच्छा काम नहीं कर पा रहा होता। ओके, इसका मतलब जब काम मिलता है, काम से मिलता है, जब काम नहीं मिल रहा तो समझ लो बहुत बड़ा काम मिल रहा है। एग्जैक्टली, ये बिल्कुल सही बात कही आपने, बहुत सही बात कही। आप इस बात को ध्यान रखें, बिकॉज आपको अगर काम नहीं मिल रहा है, तो वो विश्वास ना खोएं कि आपको काम नहीं मिलेगा। जैसा इन्होंने कहा कि आपको बड़ा काम मिलेगा, वो ज़रूर मिलेगा। हम इतना लंबा हमारा डिस्टेंस स्ट्रगल करने का है, आप चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए यहाँ तक पहुँच गए। अब अगर यहाँ से आप निराश होकर चले जाएंगे, तो आपका इतना मेहनत बर्बाद हो जाएगा। सिर्फ इतना सा रास्ता बचा है, आप वो विश्वास रखिए, वहाँ पहुँच जाइए, और आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी जैसी यहाँ चेंज हुई। थैंक यू कृष्णा जी, थैंक यू सो मच। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं, जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे, भले वो फेक ऑडिशंस पे हो, कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है।